हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। ये रही पीयू। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो हैप्पी नवरात्रि आप सबको। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की बताइएगा मुझे भी। और पीयू देखो रो रही है। हमारे यहाँ तो पूजा होनी नहीं है, तो मैंने इस ब्लॉग के पहले वाले ब्लॉग में बताया हुआ है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देखिएगा। तो आज हम लोगों ने नवरात्रि की पूजा नहीं की है, आज है संडे और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ स्पेशल बनाने। तो चलो चलते हैं किचन में अपने। ये मेरा मंदिर, अभी साफ सफाई हो रही है, यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, बस पूजा नहीं कर रही है। पीहू, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और ये रहा लौकी, तो अभी इसकी पकौड़ी बनाने जा रहे हैं लौकी की, आप लोगों को अभी दिखाएंगे। लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, क्योंकि लौकी ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, इस वजह से पहले से ही थोड़ा सा नमक इसमें डाल के 10-15 मिनट पहले ही रख दिया था। तो जितना भी पानी था ना, तो सारा निकल गया था, और इसको अच्छे से इस तरीके से मैंने निकाल लिया था। इसमें थोड़े से मसाले डाले थे, लहसुन और मिर्चा डाली थी, हरी मिर्च अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे बेसन लिया, तो अगर आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है पानी डालने की तो आप कर सकते हैं, वरना इसमें इतना ज़्यादा खुद ही नमी रहती कि अच्छे से बेसन मिक्स हो जाता है इसमें। इसके बाद बना ली थी पकौड़ी, पहले पकौड़ी का नाश्ता किया। लौकी की पकौड़ी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोगों ने ये पकौड़ी खाई है तो मुझे भी कमेंट करके बताना, बहुत ज़्यादा इजी लगती है, मुझे पसंद भी बहुत है। तो पहले सोचा चलो ब्रेकफास्ट में पकौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद खाने का देखते हैं। फिर यहाँ पे बढ़िया सी पकौड़ी बनाई और मोमोज वाली जो चटनी होती है ना, उसके साथ आप खा के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर फिर मैंने काफ़ी सारी पकौड़ी बन गई थी, क्योंकि लौकी थोड़ी ज़्यादा थी, फिर इसी की मैंने सब्जी बना ली थी, जो कोफ्ते की सब्जी बोलते हैं लोग, आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, हम लोगों के यहाँ तो लौकी की कोफ्ते की सब्जी बोली जाती है। यहाँ पे मैंने सब्जी की पूरी तैयारी कर ली थी, यहाँ पे सोचा चलो साथ में सब्जी बना लेते हैं। और फिर सारा काम करने के बाद जब ये पार्सल रिसीव होता और उसको अनबॉक्सिंग करने की जो खुशी होती है ना, मैं क्या ही आपके साथ बताऊँ। बहुत अच्छे मूड से मैं बैठी थी, जितनी भी थकान थी ना सारी दूर हो गई थी इस पार्सल को देख के, इतनी ज़्यादा खुशी मिली थी। ये पार्सल मुझे मीशो से रिसीव हुआ था, मैंने पहले ही ऑर्डर दे रखा था कुछ दिन पहले, तो मुझे ये आज ही मिला और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो सोचा चलो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेकअप का कुछ प्रोडक्ट मंगाया था, और इस मेकअप के प्रोडक्ट की तो मैं क्या ही बात करूं, इतना घटिया प्रोडक्ट था इसका, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अलग से वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें सारा जो भी प्रोडक्ट था मेकअप का ना, पीहू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बीच बीच में उसको हटाना पड़ रहा था, जो भी प्रोडक्ट था ना सारा, तो पहली बात पुराना था और इतना बेकार प्रोडक्ट था, मतलब कंसीलर जो रिसीव हुआ था इतना बेकार, पूरा इसमें पानी भरा हुआ था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बेकार था। मैंने इसको रिटर्न में सोचा तो है डालने को, अभी तो मैंने इसका नहीं रिटर्न किया है। और ये यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट थे बहुत ज़्यादा बेकार थे, बहुत बेकार थे, मुझे इतनी नहीं उम्मीद थी कि इतना बेकार प्रोडक्ट आएगा, और ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं था, शायद मुझे रेट भी नहीं याद है, मैं आपको बता दूंगी बाद में, और पर बहुत ज़्यादा बेकार था। अगर आप लोग मंगाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत मंगाना ये मेकअप फिक्सर, और इसमें कुछ भी नहीं था सच में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रोज़ वाटर भर दिया है, और बहुत सारा बेकार प्रोडक्ट था।
अगर पीहू ना सामने आए तो वीडियो तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। पीहू कैमरे के सामने आके अपने पोज पे पोज दिए जा रही थी। हम लोग हो गए थे मार्केट के लिए रेडी, क्योंकि शाम को मार्केट जाना था। और मार्केट आने के बाद ये सारी चूड़ियाँ देखी, इतनी प्यारे प्यारे कलेक्शन आ रखे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। और करवा चौथ आ रहा ना, तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ मैं, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी ही क्या क्या मैंने करवा चौथ के लिए लिया है, क्या मैं पहन रही हूँ, सारा कुछ आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे। ये मार्केट है जो ना बहुत ही अच्छी मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है, घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। फिर हम लोग आ गए थे पार्क पीहू को लेकर के, क्योंकि हर संडे को पीहू को लेकर आते हैं यहाँ पर, खेलती है बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये दुर्गा पूजा का पंडाल वगैरह लगा हुआ है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर नहीं देखा तो देख लेना जाके। ये पार्क के अंदर का है, बहुत सारी बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, तो पीयू भी बहुत अच्छे से खेलती है और बहुत अच्छा लगता है पार्क में। अब तो थोड़ी सी ठंडक हो गई है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने पर, बहुत लोग आते भी हैं, पार्क बहुत अच्छा है। यहाँ पे पीहू का थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट हो रहा था, जो पीहू की एक आईडी है वो मेंशन कर दूंगी मैं, आप देख लेना, उसमें पीहू के शॉर्ट वीडियो ही रहते हैं। तो अगर आपको देखना है, आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे पीहू के कुछ बहुत वीडियो शूट किए, एक तो वो कराती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा भाग रही थी, देखो गिर गिर पड़ रही थी, फ़ोन हाथ से ले रही थी, बहुत मुश्किल से उसने 2-3 वीडियो शूट कराए थे। और क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना, तो सब बच्चों को देख के उसको खेलने की लग जाती है, ये देखो किस तरीके से वीडियो अपना बनवा रही है, अभी बहुत छोटी है तो ज़्यादा समझ भी नहीं आती है। और बैग लेके उसको बोला था इस तरीके से करो, तो वो अपना कर रही थी थोड़ा थोड़ा, जो भी समझ पा रही थी, तो यहाँ पर उसका वीडियो शूट हो रहा था। फिर हम लोग आ गए थे दूसरी मार्केट, यहाँ पे ये जो है ना बल्ब है, क्या इसको बोलते हैं, बल्ब ही बोलते हैं शायद, इतना अच्छा था पर थोड़ा सा कॉस्टली जाता तो हम लोगों ने लिया नहीं। और फिर यहाँ पे पीयू के थोड़े से शूज़ वगैरह लिए, ठंड आ रही है तो उसके लिए शूज़ वगैरह लेने थे। यहाँ पे हम लोगों ने सा डेकोरेशन वगैरह का सामान लिया, और कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।